आज हम बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी घर के सामानों से बना हुआ या बहुत ही हेल्दी बनाकर नाश्ता लाए हैं, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगा। सुबह के लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में या बच्चे को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगी तब ना समझ में आएगा और बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो सबसे पहले हम लिए हैं एक मिक्सिंग बॉल, तो इसमें डालेंगे हम गेहूं के आटे। तो एक कटोरी हमने गेहूं के आटे लिए हैं, घर के सामानों से बना है, जो घर में अवेलेबल है वही चीज़ से हमने बनाए हैं। तो अब डाल लेंगे इसे। बहुत ही क्रंची टेस्ट लाने के लिए हम डाले हैं 2 बड़े चम्मच इसमें सूजी डाल ली। अब चाहे तो चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूजी की जगह। अब सब्जियां में थोड़ी हम डाल लिए हैं, एक छोटी साइज के प्याज बारीक कट कर लिए हैं, शिमला मिर्च बारीक कट कर ले लिए हैं और एक छोटी साइज के टमाटर बारीक कट के लिए हैं। बीच के हिस्से हम निकाल लिए हैं। अब 2 हरी मिर्च डाल दिए हैं बारीक काट करके, तीखे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने ग्रेट करके लिए हैं, उसे भी डाल लिए हैं। अब इसमें डाल लेंगे हम ढेर सारे बारीक कट की हुई हरी धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मसाले में डालेंगे साबुत जीरे, खड़े जीरे और इसमें डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। आप इसके जगह लाल मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाले हैं, थोड़ी से डाल लिए हैं भुने जीरा पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए और इसमें कलर के लिए हमने डाल लिए हैं 1/4 के करीब हमने डाले हैं हल्दी पाउडर। अब सारे चीज़ डाल लिए हैं। अब हमारा रेसिपी फुला फुला सा और जालीदार बने इसके लिए हम डाले हैं दही। तो दही हमारा ना ही खट्टी है और ना ही फ्रेश है, तो मीडियम हमारा दही है। अब इसे डाल लिए हैं। आप 1 चम्मच 2 चम्मच डालना चाहते हैं डाल लीजिएगा, नहीं तो आप बिना दही को भी बना सकते हैं थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल करके। अब डाल लिए हैं चाट मसाला 1/2 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक के, और इसमें पानी डालकर हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो एक बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके डालेंगे। तो अभी के लिए इतना डाले हैं, फिर से हम डाल लेंगे और इसे हम बढ़िया सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे गाढ़ी सी। तो देखिए एक बार में पानी डाल लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़े थोड़े पानी डालकर ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे। तो चलिए देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया घोल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है, यानी कि जैसे पकौड़ियाँ तलते हैं ना उसी तरह का हमारा ये घोल बनाना है। और देखिए ये बहुत ही परफेक्ट घोल बन गया है। तो इसे हम सूजी है तो इसे फूलने के लिए हम छोड़ देंगे, तो इसके लिए 5 मिनट के लिए हम रेस्ट में छोड़ देंगे। अगर जल्दीबाजी है तो आप चावल का आटा का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब देखिए 5 मिनट के बाद ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट यानी कि हल्का सा स्पंजी ये बेटर हो गया है। ना ही इनो ना ही सोडा डाले हैं, फिर भी दही डाले हैं इसके कारण। आप चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी तेल को गरम कर लिए हैं, तेल हमारा बढ़िया गरम होना चाहिए। और इस तरह से हम कलछुल के सहायता से हम इसे डाल लेंगे। छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर बड़े चाहते हैं तो एक ही डालिए बड़े साइज का, लेकिन हम इसे छोटे छोटे कर 3 डाल रहे हैं। एक बार में हमारा 3 आया है कढ़ाई में, तो 3 हमने डाल लिए हैं। और फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे, बिल्कुल भी लो या हाई नहीं करना है। हाई करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा, अगर मीडियम कीजिएगा तो ऑयली हो जाएगा, इसलिए हम मीडियम हाई करेंगे। और इस तरह से हम ऊपर से तेल छिड़कते हुए हमें हल्का सा पका लेना है ताकि ऊपर का हिस्सा भी ड्राई हो जाए। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है एक तरफ से, तो हम पलटते हुए दूसरा तरफ भी हम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाता है, बिल्कुल भी ना ही टूटता है और ना ही चिपकता है। गेहूं के आटे से बना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बनाने में भी ईजी है, कोई भी बना सकते हैं आसानी से। एक बार बनाकर बच्चे को खिला दीजिएगा तो बार बार बनाना ये पसंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ भी हमारा बढ़िया से गोल्डन ब्राउन यानी कि क्रिस्पी हमारा फ्राई हो गया है। तो इसे भी हम एक तरफ से फिर से पलट लेंगे, तो ऐसे ही 1-2 बार हम पलटते हुए इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही मस्त बना है फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे ही सारे को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो चलिए ये हमारा सारे ये फ्राई हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है।
तो रेसिपी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस जरूर से कर दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए हमने सर्व किए हैं टमाटो केचप के साथ, आपको जो भी पसंद है चटनी टमाटो केचप उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत ही बेस्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो देखिए एंजॉय कीजिए, बनाइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है, तो अगर आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसमें भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए और बताइए, कमेंट्स करके हमें ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।